Hello, dear friends. This is a class on elegy written in a country churchyard. Elegy का मतलब होता है एक ऐसी कविता जो किसी की डेथ के ऊपर लिखी जाती है। ये खास तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज में लिखी जाती है। हमारे देश में इंडिया में ऐसी कोई कविता नहीं लिखी जाती। तो कविता का नाम है elegy written in country churchyard। कंट्री का मतलब होता है यहाँ पे गांव, यहाँ पे कंट्री का मतलब देश नहीं है, ओके? और चर्च यार्ड का मतलब क्या होता है? चर्च यार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान। तो ये टॉमस ग्रे एक प्री रोमांटिक राइटर हैं। प्री रोमांटिक राइटर का मतलब है ये जो एज है ना इनकी, जैसे मिड ऑफ द 18th सेंचुरी आप मान लीजिए, तो उस मिड ऑफ द 18th सेंचुरी को हम लोग इंग्लिश में प्री रोमांटिक एज कहते हैं, जिसमें जो कवि लोग हैं वो इमोशंस के बारे में, सेंसिबिलिटीज के बारे में, संवेदनाओं के बारे में, थोड़ा बहुत प्रकृति के बारे में लिखा करते थे। ठीक है, अब इसकी खास बात क्या है इस कविता की कि एक तो ये हमारे इंग्लिश लिटरेचर में दुनिया भर में पढ़ाई जाती है और ये 1750 में कंप्लीट हुई थी और फर्स्ट टाइम 1751 में पब्लिश्ड हुई। अब कहते हैं कि द पोएम का जो ओरिजिन है वो अननोन है। ऐसे कहा जाता है कि जो टॉमस ग्रे हैं इसके राइटर, उनका एक फ्रेंड था रिचर्ड वेस्ट, उसकी डेथ हो गई थी 1742 में, तो उसकी डेथ से प्रभावित होकर के शायद उन्होंने कविता लिखी। अच्छा, ओरिजिनली इस पोएम का जो टाइटल था वो था स्टैंजास रोट इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ये हम सबको लिखना चाहिए अपनी कॉपी में। और ये जो पोएम थी वो लिखी गई थी, ये वाली जिसका टाइटल स्टैंजास रोट था, व्हेन ग्रे वाज लिविंग नियर सेंट जाइल्स पैरिश चर्च। एक चर्च सेंट जाइल्स के नाम से मशहूर है, जब वहां एक गांव था स्टोक पोजिस, उसके पास में उस वक्त वो रहा करते थे और वहां उन्होंने कविता को कंप्लीट किया। फिर ये जब कविता कंप्लीट हो गई तो इट वाज सेंट टू हिज फ्रेंड हॉरेस वॉलपोल। वो उनके एक फ्रेंड थे बहुत बड़े घनिष्ठ, बहुत क्लोज, और उन्होंने फिर सारे जो लंदन के बड़े बड़े लोग हैं उनमें इस पोएम को सर्कुलेट किया और इसको फेमस कर दिया। फिर बाद में जब टॉमस ग्रे को पता चला कि ये पोएम इतनी ज्यादा फेमस हो गई है तो फिर उन्होंने इसको पब्लिश करा दिया 1751 में। ठीक है, उसके बाद में इसकी खास बात ये भी है कि इन ऑर्डर टू प्रीएम्प्ट अ मैगजीन पब्लिशर फ्रॉम प्रिंटिंग एन अनलाइसेंस्ड कॉपी ऑफ द पोएम, भाई कहीं और पब्लिश करे कोई लाइसेंस के बिना तो क्यों ना मैं इसे पब्लिश कर दूं, ये सोचकर उन्होंने इस पोएम को पब्लिश करा दिया। अब पोएम एक एलिजी है, लेकिन एलिजी जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी की डेथ पर लिखी जाती है, पर लेकिन इस कविता में किसी एक पर्टिकुलर आदमी की डेथ पर ये कविता नहीं है और केवल नाम ही एलिजी है। इसकी जो फॉर्म है, जो इसका पैटर्न है, वो एलिजी की तरह नहीं है। हालांकि उस जमाने में जो खास कंटेम्प्ररी का मतलब होता है समकालीन, ओड्स लिखी जाती थी। ओड्स का मतलब होता है एड्रेसिंग सॉन्ग्स, तो उस स्टाइल में इसको लिखा गया है। लेकिन इसमें देर आर टू एलिमेंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो मेडिटेशन, इसमें थोड़ा सा राइटर मनन कर रहा है, सोच रहा है जिंदगी क्या है, सफलता क्या है, डेथ क्या है, है ना, फ्रेंडशिप क्या है, मेमोरी क्या है, और इन सब चीजों के ऊपर मनन करते हुए, जिंदगी को मनन करते हुए कविता लिखी गई है। और यह पोएम में एक आर्ग्यूमेंट उठाया गया है कि ठीक है, आप जब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो हम उसको याद करते हैं, रिमेम्बरेंस करते हैं उसकी। वो रिमेम्बरेंस अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। और जो कविता का नैरेटर है, यानी जो कविता कह रहा है, कवि भी हो सकता है और कोई और भी, he finds comforts in pondering the lives of obscure rustics. Pondering मतलब मनन करना, obscure rustics का मतलब होता है ऐसे गांव के लोग जो दूर दराज के अनजान, obscure का मतलब अनजान, rustics मैंने गांव में रहते हैं और चर्च यार्ड में दफना दिए गए हैं, उनको कोई नहीं जानता। तो आपको मालूम है कि जब किसी आदमी, जैसे ये दुनिया है और इसमें खरबों लोग रहते हैं, जरूरी है क्या कि सभी शहरों में रहें या सबको प्रसिद्धि मिले, सबको लोग याद करें? ऐसे ना जाने कितने टैलेंटेड लोग हैं जिनको ना तो एजुकेशन का मौका मिला, ऐसे खूबसूरत लोग हैं जिनको किसी फिल्म में आने का, किसी एडवर्टीजमेंट में आने का मौका नहीं मिला। कोई जरूरी है क्या कि वो, उनकी जो जिंदगी है वो अनइम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो किसी के सामने नहीं आ पाए? तो ये जो कविता है, जैसे मैंने बताया कि इसके दो फॉर्म्स हैं, एक का नाम था स्टैंजास रोट और एक का नाम था एलिजी रिटर्न इन कंट्री। दोनों ही कविता में जो अप्रोच है, यानी कि जो जिस तरह से ट्रीटमेंट डेथ का किया गया है, वो थोड़ा अलग है। द फर्स्ट कंटेन्स अ स्टोइक रिस्पॉन्स टू डेथ। जो पहली कविता इन्होंने लिखी थी, जब मतलब जिसका टाइटल स्टैंजास रखा था, स्टैंजास रोट इन कंट्री चर्चयार्ड, उसका जो
एटमोस्फेयर है, मूड है कविता का, वो स्टोइक था। स्टोइक का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको दुख और सुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें एक अलग तरह का ट्रीटमेंट था, लेकिन जो फाइनल वर्जन राइटर ने तैयार किया है उसके अंदर उन्होंने इसको बड़ा इमोशनल तरीके से लिखा है डेथ को, कि नहीं नहीं जो भी आदमी मर गया, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, चाहे प्रसिद्ध हो चाहे कम प्रसिद्ध हो, उसकी डेथ को सेलिब्रेट करना, उसको याद करना, उसके लिए आंसू बहाना, उसके लिए कोई स्मारक बनवाना, ये सब जरूरी माना जाता है ना। और इससे और एपिटाफ, आपको मालूम है कि जब कोई मर जाता है हम उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि आने वाली पीढ़ियां उसको याद रखे। तो इसका मतलब हुआ ना कि हर आदमी कहीं ना कहीं मरने से पहले ये सोचता है कि कहीं वो भूल भुलैया का पार्ट ना बन जाए, भूलने का पार्ट ना बन जाए, लोग उसको अल्टीमेटली भूल ना जाए कहीं। तो विद दिस इट्स डिस्कशन ऑफ एंड फोकस ऑन द ऑब्स्क्योर एंड द नोन, द पोएम हैज पॉसिबल पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस। और फिर हमें पता चलता है कि इस कविता के अंदर काफी ज्यादा राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई है कि भाई जो लोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं क्या वही इंपॉर्टेंट है, और भी तो लोग इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए अब हम कविता को स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूंगा 40 मिनट की क्लास लूं जिसमें आपको ये कविता काफी हद तक समझ में आ जाए, कुछ स्टैंजा छोड़ेंगे। अब जैसे स्टार्टिंग है इस कविता की बहुत फेमस है, द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। कर्फ्यू एक बेल का नाम होता है, टॉल्स मैंने बजना, नेल ऑफ पार्टिंग डे का मतलब है कि जब पार्टिंग डे का मतलब होता है दिन ढल गया है, और नेल का मतलब होता है जब किसी की डेथ पर जो बेल बजाई जाती है क्रिश्चियन लोगों के यहाँ, ठीक है। तो राइटर ने जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है कि शाम हो गई है और चारों तरफ एक बेल बज गई है जो उस जमाने में बजती थी, उसका नाम कर्फ्यू रखा गया था। उसका कारण था कि एक बार 1665 में लंदन में बहुत बड़ी आग लगी थी, उसके बाद राजा ने क्या किया, एक घोषणा कर दी कि शाम के वक्त ना एक खास समय पर एक बेल बजाई जाएगी, उसके बाद सब अपनी मोमबत्तियां बुझा देंगे ताकि कोई आग का डर ना रहे। तो उसको उस जो बेल बजती थी उसको कर्फ्यू नाम दिया गया। तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए, तो ये लाइन आपको याद रखनी है, द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, अर्थात दिन ढल गया यानी शाम हो गई। सो नेगेटिव एटमोस्फेयर क्रिएट किया है संध्या का। द लोइंग हर्ड, लोइंग का मतलब होता है रंभाना, हर्ड मतलब जानवरों के झुंड, भेड़ों के। विंड का मतलब यहाँ पे हवा नहीं है, मुड़ना, स्लोली ओवर द ली, ली मैंने चरागा, और जो भेड़ें चरने गई थी अब वो रंभाती हुई मुड़ गई हैं अपने अपने चरागाहों की तरफ। द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स इज वेरी वे, और जो हल चलाने वाले लोग हैं वो घर की तरफ, प्लॉट्स का मतलब थके हुए कदमों से, प्लॉट्स मतलब बहुत ही धीरे धीरे चलना, और वेरी वे का मतलब अपने थके हुए रास्ते पर आ रहे हैं। अब आपको मालूम है कि रास्ता थका हुआ नहीं होता है, आदमी थका हुआ होता है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट, TRANSFERRED, ट्रांसफर्ड EPITHET, एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब होता है कि ये जो वेरी नाम यानी थका हुआ जो विशेषण है, एडजेक्टिव है, ये आदमी के लिए आना चाहिए था लेकिन ये रस्ते के लिए आ रहा है, तो ऐसा एक विशेषण यूज करना जो ट्रांसफर कर देते हैं, हम उस नाउन के लिए यूज नहीं करते हैं जिसके लिए यूज किया जाता है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और ये जो किसान है, ये जो रंभाती हुई भेड़े हैं, और ये जो कर्फ्यू की बेल है, इन सब ने मुझे छोड़ दिया है अंधेरे में, ओके, और संसार को भी और मुझे भी, अर्थात राइटर ने सोचना मनन करना शुरू कर दिया है। नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइट, अब धुंधली होती जा रही है चमकती हुई जमीन, दूर तक जो लैंडस्केप का मतलब जमीन जो दिखती थी अब वो नजर नहीं आ रही है क्योंकि अंधेरा हो रहा है। एंड ऑल द एयर अ सॉल्म्न स्टिलनेस होल्ड, और जो हवा है उसने गंभीर, सॉल्म एक वर्ड है इसका मतलब होता है गंभीर, शांति को पकड़ लिया है, ओढ़ लिया है, अर्थात चारों तरफ शांति छा गई है। सेव, सेव का मतलब यहाँ पे है सिवाय, सेव का मतलब है बचाना नहीं है। वेयर द बीटल व्हील्स इज ड्रोनिंग फ्लाइट, बीटल नाम का जो पक्षी है वो गोल 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 अपनी फ्लाइट उड़ रहा है, मतलब के जो बीटल नाम का पक्षी है केवल उसकी आवाज आ रही है, बाकी चारों तरफ शांति है। एंड ड्राउजिंग टिंकलिंग्स लल द डिस्टेंट फोर्स, ड्राउजी का मतलब होता है ऊंगती हुई, टिंकलिंग्स मतलब घंटियों की आवाज, लल मतलब लोरी गा के सुलाना या शांत माहौल, डिस्टेंट मतलब दूर, और फोल्ड्स का मतलब बाड़े जहां पे जानवर आके रुकते हैं। अभी लाइन बहुत सुंदर है, बाड़ों में जो भेड़े आकर के रुक गई हैं और वो आराम कर रही हैं, तो बीच बीच में हल्की हल्की कोई भी एक, जैसे मान लो 100 भेड़े एक साथ बैठी हैं,
कड़ी हैं, तो कोई ना कोई एक बैल की आवाज बीच बीच में आ जाएगी, लेकिन वो आवाज भी धीरे आएगी, क्योंकि जब बैल जब भेड़ चलती है जब तो टंग 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 लगातार आवाज आती है, लेकिन जब भेड़ ऊंग रही है तो बीच बीच में जो घंटियों की आवाज आ रही है वो बहुत स्लो और कभी आ रही है और कभी नहीं आ रही है। तो राइटर ने वो एक एटमोस्फेयर साउंड के थ्रू क्रिएट किया है, उत्पन्न किया है, जिससे वो ये बताना चाहता है कि कैसे चारों तरफ अब केवल शांति है। और आगे बढ़ते हैं, सेव दैट फ्रॉम योंडर आईवी मेंटल टावर, सिवाय उस योंडर मतलब होता है दूर वहां, आईवी एक बेल होती है, मेंटल टावर, मेंटल मतलब ढका हुआ, टावर का मतलब एक बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के ऊपर आईवी नाम की बेल चढ़ी हुई है, उसने उस टावर को ढक लिया है, उसके अंदर एक उल्लू लगता है बोल रहा है, मोपिंग मतलब बोलना, डज द मून कंप्लेन, और क्योंकि जो उल्लू है उसको अंधेरा पसंद होता है और चांद निकला होगा तो शायद वो चांद को कंप्लेन कर रहा है, शिकायत कर रहा है ऑफ सच इस चीज की, एज वैंडरिंग नियर हर सीक्रेट बावर, कि क्यों वो भटक रहा है चांद उसके सीक्रेट बावर का मतलब होता है पेड़ों का झुंड, मतलब ऐसा लग रहा है, वैसे सिंपल मीनिंग तो ये है कि उल्लू बोल रहा है लेकिन राइटर जो क्योंकि कविता लिख रहा है तो ही हैज क्रिएटेड अ वेरी ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर, नॉट आई एम सॉरी नॉट ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर, ब्यूटीफुल रेफरेंस दिया है कि उल्लू की आवाज जो आ रही है ऐसा लग रहा है कि वो चांद को ऐसे कह रहा है कि भाई तू मेरे सीक्रेट जगह पर क्या करने आ गया, मुझे अकेले क्यों नहीं रहने दे रहा है, यानी कि उल्लू बोल रहे हैं। मोलेस्ट हर्स एंशिएंट सॉलिटरी रेन, मोलेस्ट का मतलब खराब कर देना, एंशिएंट पुराना, सॉलिटरी मतलब एकांत का, रेन मतलब साम्राज्य, कि क्यों ये जो उल्लू है वो किस तरह से हमेशा अकेला रहता आया इस स्थान पर, और चांद की रोशनी में वो चिल्ला रहा है कि तू क्यों आ गई यहाँ पे। दूसरा मीनिंग भी यहाँ पे निकल रहा है लेकिन आपको अभी यही मीनिंग समझना है, ठीक है। बीनीथ दोज रगेड एल्म्स, बीनीथ मैंने नीचे, दूर रो दोज मैंने दूर कहीं, रगेड का मतलब होता है बहुत ही पुराने सख्त एल्म के पेड़, यू के पेड़, उनकी छाया दिखाई है कवि ने। देखिए आप पहली बार एलिजी पढ़ रहे हैं मुझसे, एलिजी में एक एटमोस्फेयर क्रिएट किया जाता है, जैसे हमारे गांवों में ना आजकल भी अभी भी मानते हैं कि बेरी के पेड़ के नीचे दोपहर में नहीं जाते, भूत नीचे पक जाती है, या कुछ खास पेड़ होते हैं जिनको हम भूत से यू नो लिंक करके देखते हैं, तो उनके यहाँ पे एल्म के और यू के जो पेड़ है वो कब्रिस्तान में उगते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो राइटर ने वो पेड़ दिखा करके एक डेथ का एटमोस्फेयर क्रिएट किया है, उल्लू दिखाया है, शांति दिखाई है, रात दिखाई है, शाम दिखाई है, तो इसे कहते हैं हम कैसा एटमोस्फेयर क्रिएट किया है। वेयर हीव्स द टर्फ, टर्फ मैंने घास, घास का पर्सोनिफिकेशन कर दिया, जैसे कोई इंसान हो और वो सांस ले रही है, हीव का मतलब होता है हिलना, सांस लेना, अर्थात हवा चल रही है और घास हिल रही है। घास कहाँ है, इन मैनी अ मोल्डरिंग हीप, उभरे हुए कब्रों के ऊपर, ये जो हीप दिखाया, हीप मैंने ढेर, मोल्डरिंग का मतलब मिट्टी का ढेर, मिट्टी के ढेर जो लगे हुए हैं, अर्थात किसी ने पक्की कब्र नहीं बनाई होगी, कब्रिस्तान का माहौल दिखाया कवि ने, और उनके ऊपर घास उगी हुई है, हवा चल रही है, घास हिल रही है। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड, हर एक अपने अपने नैरो मतलब सकड़े, तंग, सेल मतलब कोठरी में हमेशा के लिए, एवर मैंने हमेशा, लेट मतलब लेट गया है, कौन, द रूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप, रूड का मतलब क्या होगा यहाँ पे, गंवार, गांव का रहने वाला, फोर फादर्स मतलब पूर्वज, हैमलेट का मतलब होता है छोटा सा गांव, तीन चार घरों के गांव को ढाणी बोलते हैं, और वैसे इंग्लिश में बोलते हैं हैमलेट स्लीप। कोई आदमी जिसको दुनिया में कोई नहीं जानता था वो यहाँ पर लेटा होगा और उसके कब्र के ऊपर हवा चलने से घास हिल रही है। The breezy call of incense breathing morn. अब ये जो आदमी लेटे हुए हैं कब्रों के अंदर यानी मर गए हैं, breezy call का मतलब है ठंडी ठंडी हवा चलेगी और वो पुकारेगी, incense मतलब खुशबूदार, breathing मतलब सांस वाली, morn, morning का personification क्या है, जो खिलते हुए फूलों से सुंदर खुशबू लिए हुए पुकारती है हमें। This is a beautiful reference where the writer wants to convey that when there is a wind in the morning or the cool breeze and it is filled with some smell, beautiful smell, aroma, it means it rises us. Lekin ye jo aadmi ab hamesha ke liye mar gaye hain, ab inko ye morning awaaz nahi lagayegi, ye yahan par vichar hai. The swallow twittering, swallow chidiya ko kehte hain, twittering matlab chehchana, from the straw built shed, jo apne tinkon ke banaye hue ghonslon mein jo baithi hai na chidiya, ya the cock, मुर्गे का श्रिल तीखा क्लेरियन मतलब बिगुल,
मुर्गा सुबह उठते ही कुकड़ू कू बांग देता है ना, और वो सबको जगा देता है। तो ये राइटर ने हैज क्रिएटेड अ सीन कि अब मुर्गा तीखी बांग नहीं देगा और द इकोइंग हॉर्न, और ना ही कोई गडरिया, इको मतलब गुंजाएगा यानी बजाएगा अपना हॉर्न। हॉर्न का मतलब यहाँ पे निकलेगा, जिसको आप कभी भी गाँव में अगर जाओ या आप इंटरनेट पे सर्च करो, आपको अब जो ये कॉमन वर्ड आ गया ना हॉर्न, हॉर्न का मतलब सींग होता है। तो किसी भी मरे हुए जानवर का, खासतौर पे गाय भैंस बैल का, सींग को खोखला कर दिया जाता है और उसको बजाने के काम में लिया जाता है। और उनको उनके बजाने से क्या होता है, भेड़े गायें और जो भी झुंड है वो मीनिंग समझते हैं या उनको सिखा दिया जाता है और वो तुरंत एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कॉमन आवाज है उस जमाने में आया करती थी कि अब ये आवाज नहीं गूंजेगी, अर्थात इनको कोई नहीं जगा सकता, अब ये मर गए हैं। नो मोर शेल राउज, नो मोर मतलब अब कोई नहीं जगाएगा इनको, राउज मैंने जगाना देम, उन लोगों को, फ्रॉम देयर लोली बेड, उनके लोली बेड, बेड मतलब बिस्तर और लोली मतलब नीचा, नीचा बिस्तर मतलब कब्र, जिनको हमने कब्रों में गाड़ दिया है। फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्थ शेल बर्न, ब्लेजिंग मतलब जलता हुआ, हार्थ ये जो वर्ड है ना इसका उच्चारण है हार्थ, चूल्हा अब उनके लिए नहीं जलेगा, मतलब अब वो उनके लिए कोई खाना नहीं बनाएगा। और बिजी हाउस वाइफ, और जो पत्नियां मोस्टली बिजी होती हैं हाउस वाइफ, प्लाई, प्लाई का मतलब होता है उसको, उसकी मनुहार करना, उसको कई तरह के चीजें लाके देना, पूछना, जब कोई किसान या कोई ऑफिस से आदमी घर आता है तो उसकी वाइफ उसको तरह तरह की चीजें, चाय बना दूं है ना, कुछ खाने के लिए दूं, उसकी जो केयर करती है, अब उनकी इवनिंग केयर कोई नहीं करेगा। नो चिल्ड्रन रन, कोई बच्चे दौड़ करके नहीं आएंगे, लिस्प मतलब तुतलाते हुए, सायर मैंने पिता, अपने पिता के रिटर्न पर, और क्लाइंब हिज नीज, उसकी घुटनों पर, गोदी में नहीं चढ़ेंगे अब, और ना ही एनवीड किस टू शेयर, और ना ही उससे किस शेयर करेंगे, कौन सी एनवी मतलब जलन, अर्थात नाराजगी वाली किस शेयर नहीं करेंगे कि तुम कहां थे सारे दिन, मुझे छोड़ के कहां गए थे, ये सब इनकी जिंदगी में ये सब नहीं होगा। ऑफ्ट, ऑफ्ट मतलब ऑफन, ऑफन का शॉर्ट फॉर्म है, डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकल यील्ड। अब यहां से हम देखते हैं द राइटर हैज स्टार्टेड अ वेरी न्यू पैटर्न इन द पोयम, वो अब इनकी गतिविधियां और उनकी उपलब्धियां बता रहा है, दोस कॉमन पीपल जो फेमस नहीं हुए, कि ये जो आदमी है जो मर गए हैं, कहता है अक्सर ये हार्वेस्ट यानी फसल ले लिया करते थे अपनी सिकल मतलब दांतली से, जिससे फसल काटते ना, यील्ड मतलब फसल, यील्ड मतलब सौंपना भी होता है, मतलब जब ये अपने खेतों में पकी फसल के ऊपर अपना दतिया, अपना हसिया चलाते थे तो बड़ी बड़ी फसलें ले लेते थे। अब यहाँ पे कविता ने हमें थोड़ा सा सोचने पे मजबूर किया है कि हाँ भाई वो भी एक काम करते थे, और वो काम कोई घटिया काम तो नहीं होता है। तो क्या कारण है कि जो संसार है वो केवल कुछ खास लोगों को ही प्रसिद्ध बना देता है, उन्हीं के ऊपर हम चर्चा करते हैं, कि शाहरुख खान की ही चर्चा होनी चाहिए सिर्फ, क्यों नहीं, क्यों एक साधारण सा टीचर, कोई साधारण सा किसान, कोई साधारण सा मजदूर इस देश की इकोनॉमी में पूरा योगदान दे रहा है, क्यों नहीं हम उनकी भी बात करते। देयर फरो, फरो का मतलब होता है खेतों में जो कतारे बनाने का एक औजार, ऑफ्ट मैंने अक्सर स्टबन ग्लेब हैज ब्रोक, स्टबन मतलब जिद्दी, ग्लेब मतलब मिट्टी का, जिनके घर में खेत है उन्होंने देखा होगा कि जब हल चलता है तो अंदर से जब बहुत ही सख्त मिट्टी के ढेले निकल के आते हैं, फिर उनके ऊपर एक समतल एक लकड़ी का फट्टा रख करके बैल को चलाया जाता है, बैल खींचता है उसे और एक आदमी उसके ऊपर चढ़ जाता है, तो वो मिट्टी के जो ढेले होते हैं, वो ढेले जो होते हैं वो टूट जाते हैं। तो राइटर ने इस काम को इम्पोर्टेंस दिया है कि ये काम उन्होंने बहुत किया है, बड़े बड़े मिट्टी के ढेले तोड़ देते थे वो। हाउ जॉकन डिड दे ड्राइव देयर टीम अफील्ड, जॉकन मतलब खुशी से, कितनी, हाउ मैंने कितनी खुशी से वो ले जाया करते थे अपने बैलों की, टीम का मतलब यहाँ पे बैलों की जोड़ी है, बैलों, बैलों का झुंड है, अब फील्ड मतलब खेतों की ओर ले जाते थे। हाउ बाउड द वुड्स, कैसे झुक जाया करते थे, कौन, जंगल, बीनीथ देयर स्टडी स्ट्रोक, बीनीथ मतलब नीचे, स्टडी मैंने पावरफुल, स्ट्रोक मैंने प्रहार, जब किसान या खेतों में काम करने वाले जो लोग हैं, अब हम बैलों को नहीं हाँक सकते, आज का लड़का बैलों को हाँक करके नहीं ले जा सकता, बैल उसको घसीट के ले जाएगा, है ना। इसका मतलब है राइटर ये कहना चाह रहा है कि कैसे बड़े मजबूत काम ये लोग किया करते थे, एंड वी शुड गिव देम सम रेस्पेक्ट, वी शुड रिमेम्बर देम फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अब देखो पर्सोनिफिकेशन वाला सीन आ गया है, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, कभी कह रहा है कि जो एम्बिशियस लोग होते हैं ना, एम्बिशन का के ए कैपिटल रखा है ना, इसका मतलब राइटर ने एम्बिशन का यानी महत्वाकांक्षा को पर्सोनिफाई कर दिया, कहता है कि जब हम
एम्बिशन होते हैं ना, जैसे जो लोग एम्बिशियस होते हैं वो मजाक उड़ाते हैं, मॉक मैन ने मजाक उड़ाना है, देयर यूजफुल टॉयल, टॉयल मतलब मेहनत, लेकिन वो मेहनत तो यूजफुल थी, अरे भाई किसान की, मजदूर की, और कोई छोटा सा क्लर्क है, ये जितने भी लोग हैं जिनको हम प्रसिद्ध नहीं होने देते, या हम सोचते हैं कि ये प्रसिद्ध नहीं है, उनके काम काम का मजाक उड़ाते हैं। और कोई लड़की मॉडल बनना चाहती है, बड़ी एम्बिशियस है, कोई हीरो बनना चाहता है, तो मेरे हिसाब से तो भाई सैनिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक छोटा सा प्राइमरी टीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो बात आप समझ जाओ कि जो ज्यादा एम्बिशियस लोग हैं वो क्यों मजाक उड़ाएं, इनका नहीं उड़ाना चाहिए, कह रहा है लेट नॉट, मत उड़ाओ, देयर होमली जॉयज, उनके घरेलू जो आनंद थे, डेस्टिनी ऑब्सक्योर, उनका जो भाग्य था, डेस्टिनी मैंने भाग्य, ऑब्सक्योर मतलब छुपा हुआ, नॉट श्योर, उनको उनका भाग्य उनको पता ही नहीं है कि क्या भाग्य है हमारा, भाग्य का मतलब ही हमने डिफाइन कर रखा है कि नहीं साहब जो बहुत फेमस हो जाएगा वही भाग्यवान है। अरे भाई कोई पैदा हुआ है गाँव में, आराम से रोटी खा रहा है, शादी हो रही है उसकी, बच्चे हो रहे हैं, वो कमा रहा है, आराम से घर में आता है शाम को, सब बच्चे खेलते हैं, खाना खाते हैं, पति पत्नी बच्चे मिल करके भगवान की आरती करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, और फिर सो जाते हैं, कभी किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, किसी के साथ प्यार हो जाता है, तो ये सारा जीवन दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, उसमें क्या बड़ी बात है, जरूरी थोड़ी है कि हर चीज बहुत लार्ज लेवल पे ही हो। नॉर ग्रैंडियर हियर विद द डिसडेनफुल स्माइल, और जो महान, ग्रैंडियर मतलब महानता वाले जो लोग है ना, उनको बहुत ज्यादा नफरत, डिसडेनफुल का मतलब नफरत वाली मुस्कुराहट के साथ नहीं सुनना चाहिए, किसको, इन लोगों को, इन लोगों के, द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, इन गरीब लोगों के इतिहास के जो गाने हैं, एनल्स मतलब ऐतिहासिक गाने, लेकिन इनके ऐतिहासिक गाने बड़े बड़े नहीं है, सिंपल है, शॉर्ट है, लेकिन इनके भी इतिहास है, इनके भी महत्व, इन चीजों का महत्व है, इनको हम इस तरह से ना देखें डिसडेनफुल स्माइल से। द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, हेराल्ड्री का मतलब क्या होता है, जब कोई राजा महाराजा आता था पहले के जमाने में, तो एक आदमी पहले उसकी मुनादी करता था, ही यूज्ड टू अनाउंस महाराजा अधिराज पधार रहे हैं, तो उसमें वो जो राजा चल रहा होता था उसको, आपको पता है ना, गर्व हो जाता था, बोस्ट, बोस्ट मैंने घमंड करना, कहता है जितने भी लोग घमंड करते हैं कि भाई उनके आगे हेराल्ड चलता है, या उनको पॉम्प का मतलब दिखावा करते हैं ये लोग, पावर मतलब शक्तियों का, एंड ऑल दैट ब्यूटी, या कि जितनी भी खूबसूरत चीजें हैं दुनिया में, एंड ऑल दैट वेल्थ एवर गेव, या जितनी भी दौलत आज तक किसी ने दी है, awaits alike the inevitable hour. Inevitable का मतलब होता है अटलनीय, जिसको टाला नहीं जा सकता, आवर मैंने घंटा, और awaits मतलब इंतजार करता है, चाहे कोई भी आदमी कितना ही मशहूर हो, पावर वाला हो, ब्यूटीफुल हो, चाहे वो कितना ही अमीर हो, सबका इंतजार वो एक मौत का घंटा अटलनीय रूप से करता है। तो मेटाफोरिकल लैंग्वेज में राइटर ने क्या बताने की कोशिश की है, मौत सबको आएगी। नाउ दिस इज द लॉजिक, आई कॉल इट यू नो अ लॉजिकल पॉइंट। लॉजिक ये है बच्चों कि अगर एक 10 आदमी एक ही स्थान पर जा रहे हैं, उनके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अब वो अलग अलग तरीके से भले भगवान को मान रहे हो, लेकिन उनका पर्पस तो एक ही है ना, कि खुदा को प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना, भगवान में लीन हो जाना। तो जब उनके माध्यम अलग अलग हैं, लक्ष्य एक है, तो इसका मतलब वो एक ही हैं। इसका मतलब है जब सबको डेथ आएगी, उस अटलनीय घंटे को हम रोक नहीं सकते, वो बराबर वेट कर रहा है सबका, एक समान ही, तो फिर ये डिफरेंसेस क्यों? तो इसने तर्क देकर ये बता दिया कि डिफरेंस होनी नहीं होनी चाहिए, डिफरेंस अगर हम क्रिएट करते हैं, अगर हम अंतर करते हैं, तो ये गलत बात है। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी, शान, ग्लोरी मतलब चमक दमक, शान के जो रस्ते हैं ना, लीड, अंत में वो लेके जाते हैं आपको कहां, सिवाय, बट का मतलब है परंतु नहीं है, इसका मतलब है और कहीं नहीं, सिवाय ग्रेव की तरफ, अर्थात कब्र की तरफ। कोई कितना ही प्रसिद्ध हो, वो अल्टीमेटली बताइए कहां जाएगा, वो कब्र में जाएगा, अर्थात वो मरेगा। नॉर यू ये प्राउड, अब राइटर ने यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन किया उन घमंडी लोगों का, उनको मना कर रहा है कि तुम ऐसा मत करो, इम्प्यूट मतलब ढूंढो मत इनमें फॉल्ट। हम क्या करते हैं, गरीब लोगों में कमियां ढूंढ लेते हैं कि ये तो नहाया हुआ नहीं है, देखो इसकी इसकी चमड़ी कैसी है, अरे इनमें से बदबू आ रही है, अरे ये तो बहुत आवाज करके खा रहा है, अरे ये तो पैदल चल रहा है ना, इसका मतलब इनमें कई तरह की हम कमियां निकाल देते हैं। कहता है इफ मेमोरी, अगर इनकी कमी क्या है कि मेमोरी ने ओवर देयर टूम, टूम का मतलब होता है टॉम्ब, नहीं पढ़ते इसको टूम, अगर इनकी कब्र के ऊपर मेमोरी, मेमोरी का पर्सोनिफिकेशन किया राइटर ने, नो ट्रॉफीज रेज, अगर इनके ऊपर कोई ट्रॉफीज का मतलब यादगार चीज इनके ऊपर नहीं रखी है, भाई ये मर गए और इनकी कोई आज यादगार बाकी नहीं है कि हम इनको याद कर सके, वेयर थ्रू द लॉन्ग ड्रॉन आइल,
इनकी कब्रों के ऊपर लंबे लंबे आयल नहीं है, आयल का मतलब क्या होता है, AISLE, आयल का मतलब होता है गलियारा, लंबे लंबे गलियारे जिसके दोनों तरफ गार्डन हो, है ना, एंड फ्रेटेड वॉल्ट, फ्रेटेड मतलब सोने चांदी से मड़े हुए, नक्काशी किए हुए, वॉल्ट का मतलब गुंबद, यानी कि जैसे ताजमहल है, आपने देखा ताजमहल में चलने का रास्ता अलग है, इधर गार्डन उधर गार्डन, इतना बड़ा राजा था शाहजहां तो उसने तो बनवा दिया, कहते हैं ऐसा किसी और ने नहीं बनवाया, मेमोरी ने इनके ऊपर ये सब नहीं क्रिएट किया, तो तुम क्या घमंड कर रहे हो, क्यों इनका मजाक उड़ा रहे हो। द पीलिंग एंथम स्वेल्स द नोट्स ऑफ प्रेम्स, क्या हुआ, एंथम का मतलब क्या होता है, एंथम का मतलब हम मानते हैं एक गाना, पीलिंग का मतलब बजता नहीं है, स्वेल्स मतलब उसकी स्वर लहरियां हमेशा उठती नहीं रहती हैं उनकी तारीफ के गाने की, क्योंकि पहले क्या होता है कि जैसे बहुत बड़ा आदमी है, जैसे मान लीजिए राजघाट जाते हैं, हालांकि राजघाट तो गांधी जी की समाधि है, और लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि जब 2 अक्टूबर को वो मनाया जाता है उनका जन्मदिन, या 30 अक्टूबर को उनका शहीदी दिवस मनाया जाता है, तो आपने देखा कि राजघाट पे बड़े संगीत वगैरह बजते हैं, क्योंकि वो बड़े आदमी थे, बड़े महत्वाकांक्षी थे, गांव को छोड़कर शहर में आए, शहर से छोड़कर इंग्लैंड गए, फिर अफ्रीका गए, कहने का मतलब है कि पर एक हो सकता है ना, गांव में भी एक आदमी ने इतना स्ट्रगल किया हो, किसी के लिए जान दी हो, कई लोगों को किसी जमींदार से मुक्त करवाया हो, अब उसकी कब्र के ऊपर तो कोई नहीं जाता, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि उसको वो इतनी फेम मिली हो, उसको इतनी प्रसिद्धि मिली हो, क्या हुआ अगर उसकी कब्र के ऊपर कोई लोग गाने नहीं गाते प्रसिद्धि के, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो कम प्रसिद्ध था, या वो उसने कोई बड़े काम नहीं किए। कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बर्स्ट बैक टू इट्स मैंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रीथ, ये क्वेश्चन है, इसे रेटोरिकल क्वेश्चन बोलते हैं, RHETORIC, रेटोरिकल क्वेश्चन का मतलब होता है एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हमें पता होता है फिर भी हम पूछते हैं, जैसे हम किसी को पूछते हैं आ गए, जबकि वो हमारे सामने ही खड़ा आया है, तभी तो पूछने का मतलब ही नहीं, लेकिन तब भी हम कंफर्म करते हैं, एक स्टाइल होता है हर कल्चर में बोलने का। तो राइटर ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा है कि स्टोरीड मतलब कहानी लिखी हुई, अर्न मैंने कलश, या एनिमेटेड बस्ट, बस्ट का मतलब होता है छाती तक की मूर्तियां लोग बनवाते हैं मरे हुए की, या जिसको हम यादगार जिसकी रखना चाहते हैं, एनिमेटेड का मतलब बिल्कुल उसकी जैसी हूबहू, तो एक कलश जिस पे उस मरने वाले की कहानी लिखी हो, या ऐसी कोई मूर्ति जो उसकी याद दिलाए, क्या इसको वापस मैंशन मतलब घर, फ्लीटिंग ब्रीथ का मतलब जो सांस उड़ गई है, क्या वो वापस घर पे बुलाई जा सकती है। अब यहाँ पे घर क्या है बताओ, यहाँ पे घर है शरीर, कि जब शरीर से सांस उड़ गई तो क्या वो वापस लाई जा सकती है, कैसे, अच्छी अच्छी कहानियां लिख करके कलश के ऊपर उसके जीवन की या उसकी मूर्ति बनाकर, यानी नहीं लाई जा सकती, मतलब कि तुम मरने के बाद किसी आदमी की कितनी तारीफ कर लो वो बराबर हो जाता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, और हम मरने के बाद अगर किसी की तारीफ कर रहे हैं या उसके ऊपर कुछ मेमोरी कुछ स्मारक बनवा रहे, तो कह रहा है उसमें कोई औचित्य कोई लॉजिक नहीं है। कैन ऑनर्स वॉइस, ऑनर जब हम देते हैं तो वो जो आवाज होती है जब हम किसी को सम्मान देते हैं, प्रोवोक कर सकता है, प्रोवोक मतलब उकसाना बाध्य करना, साइलेंट डस्ट, अरे भाई जो मर गया है जो डस्ट बन गया है वो तो साइलेंट हो गया, उसको थोड़ी उकसा सकते हो आप, उसको बहुत सम्मान दे करके कि वो खड़ा होकर के बोलेगा हाँ जी धन्यवाद मैं इस लायक नहीं हूं लेकिन आपने तो बड़ी तारीफ कर दी मेरी, है ना। और फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ, क्या तुम बहुत फ्लैटरी करके सूद कर सकते हो, सूद करने का मतलब क्या होता है, शांत करना किसी को, है ना, अच्छी अच्छी बात कहना। डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ, डेथ को पर्सोनिफाई किया है, उसका कान दिखाया जो कोल्ड है, अर्थात उस पर कोई इमोशन का असर नहीं पड़ता, डल है, डेथ किसी की नहीं सुनती, डेथ तो आएगी, आप कितनी ही फ्लैटरी कर लो चापलूसी कर लो, वो तो आएगी और वो आती है, इसीलिए जो चीज आती है तो हमें लोगों में भेद करने की जरूरत नहीं है। परहैप्स इन दिस नेग्लेक्टेड स्पॉट इज लेड, फिर राइटर ऐसे कहता है कि ये जो गांव का स्ट्रोक पोजिस गांव का जो कब्रिस्तान है, हो सकता है यहाँ पे इस नेग्लेक्टेड का मतलब होता है जिसको हमने नजरअंदाज कर दिया, इस स्पॉट स्थान पर शायद कोई लेटा हो, सम हार्ट, कोई ऐसा आदमी, हार्ट का मतलब दिल, अब दिल तो नहीं लेट सकता ना, तो राइटर यहाँ पे काव्यात्मक अंदाज में पोएटिक लैंग्वेज में कह रहा है कि कोई हार्ट हो सकता है यहाँ पे जो भरा हो, प्रेग्नेंट मतलब जो स्टफ्ड हो भरा हुआ हो, सेलेस्टियल फायर, सेलेस्टियल फायर का मतलब होता है किसी दैवीय आग से जलता हुआ दिल यहाँ पे लेटा हो, अर्थात इन गंवार और गरीब और कम प्रसिद्ध लोगों की कब्रों को जब तुम देखोगे कभी किसी से सुनोगे, हो सकता है यहाँ पे कोई ऐसा आदमी लेटा हो जिसमें बहुत जज्बा था जोश था किसी चीज को करने का लेकिन वो नहीं कर पाया, अब वो राइटर में कारण बताएगा कि वो क्यों नहीं कर पाया,
hands that the rod of empire might have swayed. ऐसे कोई हाथ यहाँ पे लेटे होंगे. अच्छा देखो यहाँ पे हार्ट इंसान की जगह हार्ट वर्ड बोल रहा है और पूरे आदमी की जगह हैंड वर्ड बोल रहा है. तो यहाँ पे एक लिटररी टर्म है जिसको अपन बोलते हैं मेटोनमी. क्या बोलते हैं? मेटोनमी, METONYMY. मेटोनमी का मतलब होता है एक पूरी बॉडी की बात करने की बजाय किसी पार्ट, बॉडी पार्ट से काम चला लेना, है ना, या पार्ट से होल की बात करना. जैसे मैंने कहा कि पेन इज माइटियर देन द सॉर्ड. कलम से, कलम जो है वो तलवार से ज्यादा स्ट्रांग होती है. तो कलम का मतलब क्या हो गया? कलम का मतलब हो गया कि हम पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहे हैं, है ना. और तलवार का मतलब हो गया योद्धाओं से. अर्थात योद्धाओं से बात नहीं बनेगी, कलम से बनेगी. ऐसे ही ये आदमी की बात कर रहा है कि यहाँ पे लेटे होंगे ऐसे लोग जिन्होंने अपने हाथ में ना ऐसी रॉड संभाली होगी जो बड़े बड़े एम्पायर को, स्वेड का मतलब होता है संचालित कर सकते हो, है ना. और वेग्ड टू एक्सटेसी द लिविंग लायर, या जो जागृत कर देते हो. वेग्ड मतलब जागृत, एक्सटेसी का मतलब होता है परम आनंद दे देते हो लिविंग लायर. लायर का मतलब होता है वाद्य यंत्र. हो सकता है कोई ऐसा संगीतकार यहाँ लेटा हो जो जब वीणा बजाता होगा तो इतना सुंदर बजाता होगा कि आम आदमियों को मस्त कर देता होगा, है ना. इसका मतलब है हर तरह के लोग होते हैं छोटी छोटी जगहों पर भी, बस उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती इसलिए वो प्रसिद्ध नहीं हो पाते. वो आगे बता रहा है बट, वो बट का मतलब है वो कह रहा है कि क्यों, क्या हुआ. परंतु नॉलेज टू देयर आईज आर एम्पल पेज. पर ज्ञान का पर्सोनिफिकेशन किया है नॉलेज का, उसने ना इन गरीब लोगों की आंखों के सामने अपना उसका पर्सोनिफिकेशन किया है ज्ञान की देवी का, इसलिए हर आया यहाँ पे. एम्पल पेज का मतलब रिच पेज, अर्थात खूब किताबें उनके सामने. रिच विद स्पॉइल्स ऑफ टाइम, इतिहास. स्पॉइल्स ऑफ टाइम का मतलब होता है इतिहास की बहुत सारी बातें जो जिससे वो किताबें भरी हों. डिड नेवर अनरोल, अनरोल का मतलब होता है खोलना. इनके सामने किताबें खोली ही नहीं रोल नॉलेज ने, तो इनका क्या कसूर है. चिल पिन्यूरी, पिन्यूरी का मतलब होता है गरीबी. चिल मतलब ठंड कर देने वाली, आपके इमोशंस को ठंडा कर देने वाली जो गरीबी होती है. आपने कभी देखा है एक कार वाला जा रहा है और मान लीजिए हल्का सा रिक्शे वाला उसके टकरा जाए, तो आपने देखा होगा बेचारा हाथ जोड़ लेता है ना, उसके अंदर सारे इमोशंस मर गए. अगर वही रिक्शे वाला अमीर हो जाए मान लो और कार में हो, तो आपको पता है ना उसको गुस्सा आएगा. मतलब गरीबों को गुस्सा भी नहीं आता, उनकी गरीबी उनको हर इमोशन को चिल कर देती है. चिल का मतलब वो वाला चिल नहीं है, जस्ट चिल, चिल वाला. चिल मतलब कोल्ड कर देना, अन इमोशनल बना देना. गरीबी ने रिप्रेस कर दिया, दबा दिया इनकी नोबल रेज को. देखो बच्चों, नोबल रेज का मतलब क्या होता है? हर आदमी में ना एक गुस्सा होता है नेचुरल, छोटे से बच्चे में भी होता है. लेकिन जो जो हम समाज में आगे बढ़ते हैं ना, हमें पता चल जाता है कि गरीब गुस्सा नहीं करेगा, अमीर ही करेगा. उनकी जो नोबल रेज है वो दबा दी जाती है. एंड फ्रोज द जीनियल करंट ऑफ द सोल. और उनका जो जीनियल करंट है, नेचुरल जो प्रवाह है आत्मा का, वो जम जाता है, खत्म हो जाता है. फुल मैनी, बहुत सुंदर लाइन चाहिए. फुल मैनी अ जेम ऑफ प्योरेस्ट रे सीरीन. बहुत सारे जेम मतलब हीरे जवाहरात, जो प्योरेस्ट रे सीरीन, सीरीन का मतलब होता है शांति में कहीं पड़े हैं समुद्र की गहराई में, जो इतने प्योर है कि अगर एक किरण भी उन तक पहुंच जाए ना, तो द डार्क अनफैदम्ड केव्स ऑफ ओशन बेयर. समुद्र रखता है अपनी अनफैदम्ड केव्स, का मतलब होता है ना नापी जाने वाली गुफाओं के अंदर, काली काली गहरी गहरी, जहां पे सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है, वहां पे ऐसे ऐसे हीरे पड़े हैं कि अगर उन पर एक सूरज की किरण पड़ जाए ना, तो वो चमक उठे. लेकिन दिक्कत क्या है बताओ, कि सूरज की किरण वहां तक पहुंच ही नहीं सकती. तो इसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि हम ये नकार दें कि वो हीरा नहीं है. फुल मैनी अ फ्लावर इज बॉर्न. बहुत सारे फूल खिलते हैं. बॉर्न मतलब खिलते हैं. टू ब्लश अनसीन, और वो मुरझा जाते हैं. ब्लश का मतलब है खिलना और मुस्कुराना, लेकिन वो अनसीन ही रह जाते हैं. अरे भाई, ऐसा कोई गार्डन, कोई पहाड़ दूर दराज का जहां कोई फूल खिला है और वो खिल करके वो मुरझा गया, किसी ने नहीं देखा, इसका ये मतलब थोड़ी कि फूल फूल नहीं है. एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस. और वो अपनी खुशबू को वेस्ट कर देता है ऑन द डेजर्ट एयर. और रेगिस्तान में मान लो कोई फूल खिला, कभी देखना रेगिस्तान में जो कैक्टस उगते हैं ना, उनमें भी फूल आते हैं समय आने पर, लेकिन उनकी जो खुशबू है वो रेगिस्तान में वेस्ट हो जाती है. तो राइटर ने कहा है कि गरीब लोगों में हर तरह के लोग होते हैं, सुंदर होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, लेकिन वो अपना जो टैलेंट नहीं दिखा पाते, उनको नॉलेज नहीं मिल पाती, इसीलिए हमें उनकी उपलब्धियों को नकारना नहीं चाहिए. अब देखिए यहाँ पे, अब उसने एक उदाहरण दिया है कि कोई विलेज में हैम्पडन जैसा मशहूर आदमी भी पैदा हुआ होगा. अब हैम्पडन एक ऐतिहासिक पुरुष है
जिसने मतलब राजा के खिलाफ लोगों को उकसाया था। इसका मतलब है कि कोई विलेज में हैम्पटन पैदा हुआ होगा। दैट जो विद डॉन्टलेस ब्रेस्ट का मतलब होता है बिना डरे, ब्रेस्ट मैंने छाती मतलब छाती फुला कर रखा था, बिना डरे लिटिल टायरेंट ऑफ हिज फील्ड्स विद स्टूड। और कोई टायरेंट रहा होगा वहां पे छोटा मोटा, टायरेंट मतलब अत्याचारी, जो उनके खेतों के खिलाफ होगा उसके खिलाफ खड़ा कर दिया होगा इसने, हैम्पटन ने लोगों को। अर्थात गांवों में भी छोटे मोटे कई झगड़े होते होंगे, उसमें कई लोग बहादुरी दिखाते होंगे, पर क्योंकि वो इतिहास नहीं बनता आम, ज्यादा लोगों तक वो चीज नहीं पहुंचती, लिखी नहीं जाती उन चीजों के बारे में इतिहास को के अंदर बातें, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वहां बहादुर पैदा नहीं हुए। सम म्यूट इन ग्लोरियस मिल्टन, मिल्टन इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बड़े कवि हुए हैं, लेकिन वो तो बहुत ग्लोरियस थे अर्थात प्रसिद्ध थे, लेकिन हो सकता है गांव में भी मिल्टन जैसा कोई राइटर पैदा हुआ हो लेकिन वो बेचारा इनग्लोरियस रह गया हो, अप्रसिद्ध, शांत, म्यूट मैंने शांत, हेयर में रेस्ट, हो सकता है यहाँ पे लेटा हो, रेस्ट मतलब आराम कर रहा हो इस कब्रगाह में, इस कब्रिस्तान में। सम क्रॉमवेल गिल्टलेस ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड, हो सकता है कोई क्रॉमवेल। अब क्रॉमवेल का रेफरेंस क्या है यहाँ पे, आपको मालूम है कि चार्ल्स फर्स्ट को जब राजा ने जब मार दिया गया था पार्लियामेंट के द्वारा कि भाई ये सही राजा नहीं है, और उसकी जगह जिस आदमी ने राज किया था वो तो क्रॉमवेल, जिसको अपन इंटररेग्नम बोलते हैं, यार आप ऐसा समझ लो जिनको कम समझ में आ रहा है कि क्रॉमवेल जो था वो कॉमनवेल्थ पीरियड इंग्लैंड में एक पहला ऐसा आदमी था जिसने राजाओं को राजा को मार करके अपना शासन किया। ओके, इसका लेकिन हालांकि उसने बहुत ज्यादा खून बहाया, कंट्री का मतलब गाँव का खून बहाया, लेकिन गाँव में क्रॉमवेल जैसा भी आदमी हुआ होगा लेकिन कम से कम वो मासूम तो होगा, गिल्टलेस तो होगा अपने अपने, कम से कम उसने जो असली क्रॉमवेल था जिसने इतना खून खराबा किया उसकी तरह खून खराबा तो नहीं किया होगा। सो हियर वी ऑल्सो कम टू नो दैट द राइटर इज सेलिब्रेटिंग देयर इनोसेंस, कि अगर बहुत प्रसिद्धि नहीं मिलती है ना तो बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं होता है, बहुत प्रसिद्धि होती है तो बहुत नुकसान भी कई बार करना पड़ता है। द अप्लॉज ऑफ लिसनिंग सेनेट्स टू कमांड, अप्लॉज मतलब तालियां, तारीफ, लिसनिंग सेनेट का मतलब बड़ी बड़ी पार्लियामेंट सुन रही हैं और एक आदमी उनको कमांड कर रहा है, यानी इतने बड़े आदमी। द थ्रेट्स ऑफ पेन, और कई धमकियां लोगों को पेन की मिलती होंगी। रुइन टू डिस्पाइज, और कई बर्बादियां जिसको ये लोग नफरत करते थे। टू स्कैटर प्लेंटी ओवर स्माइलिंग लैंड, लेकिन ये जो गरीब लोग थे इनको ये चाहत नहीं थी कि वो पार्लियामेंट में जाकर के कमांड करें, खूब तालियां बटोरें, खूब लोगों को तकलीफ दें, है ना, लोगों से नफरत हासिल करें, क्योंकि देखिए जब आप प्रसिद्ध होने की कोशिश करते हो ना तो आपसे कई गलत काम भी होते हैं, हमें कई लोगों को धमकाना पड़ता है, आप कहोगे नहीं सर सही नहीं है तो समय का इंतजार करिए, जब आप बड़े और मशहूर होने लगेंगे तब आपको अपने आप पता चलेगा, कई लोगों के अधिकार मारने पड़ते हैं उसमें आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप छोटी जगह पर हैं तो कम से कम आपको इन सब चीजों से आप बच जाते हो। और इन लोगों ने ये कभी नहीं चाहा कि स्कैटर हम फैल जाएं, प्लेंटी ओवर स्माइलिंग लैंड, दूर दूर तक हम लैंड पर फैल जाएं और लोग मुस्कुराएं हमें देख देख कर। एंड रीड देयर हिस्ट्री इन अ नेशन्स आई, उन्होंने कभी नहीं चाहा कि उनकी हिस्ट्री पूरा राष्ट्र की आंखें पड़े, है ना। इसका क्या मतलब है कि ये ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं थे। देयर लॉट, लॉट का मतलब होता है भाग्य, फॉरबेड, उनके बेचारों के भाग्य ने उनको रोक दिया। नॉट सर्कमस्क्राइब्ड अलोन, केवल सीमित नहीं कर दिया उनके भाग्य ने उनको, देयर ग्रोइंग वर्चूज को, मतलब बढ़ती हुई उनकी जो शुभ कर्म थे, अच्छे सत्कर्म थे, बट देयर क्राइम्स कन्फाइंड, लेकिन उनके जुर्म को भी क्या कर दिया, कन्फाइन कर दिया, सीमित कर दिया। फॉरबेड टू वेड, रोक दिया उनके भाग्य ने कि वो चल के जाएं, वेड थ्रू का मतलब कठिनता से चलना। स्लॉटर यानी कत्लेआम करते हुए टू अ थ्रोन, अब आपने कई कहानियां सुनी होंगी, बड़े बड़े जो मुगलकालीन राजा महाराजा हुए हैं अपने पिता को मार करके और कई चाचाओं को भतीजों को मार मार के वो गद्दियों पर बैठते थे, राजपूतों में भी हुआ है। अशोक का ही चरित्र पढ़ लीजिए, इफ यू रीड द हिस्ट्री ऑफ अशोक किंग अशोक, यू विल बी सरप्राइज दैट ही किल्ड हिज 100 ब्रदर्स टू गेट द थ्रोन। तो इतना बड़ा राजा जिसको आज हम मानते हैं अशोक द ग्रेट बोलते हैं, लेकिन आपको मालूम है नहीं उसने बहुत खून खराबा किया, इसका मतलब है वो बिल्कुल वर्चुअस नहीं था, उसने कलिंग का युद्ध करवाया, है ना, बाद में वो संत बन गया। तो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है गांव के लोगों ने कम से कम इतना नुकसान तो नहीं किया। एंड हाउ इट इज पॉसिबल, बिकॉज दे वर लेस एम्बिशियस, ओके, एंड हम वी कांट ब्लेम देम दैट दे डिड नॉट हैव वर्चूज। अरे भाई ठीक है दे डिड नॉट हैव वर्चूज, बट दे डिड नॉट ऑल्सो हैव वाइसेस, उनमें दुर्गुण भी नहीं थे। और उन्होंने कभी भी शट द गेट्स ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड नहीं किया, उन्होंने बंद नहीं किया। मर्सी का मतलब क्या होता है, दया के जो दरवाजे हैं, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है कि कोई दयालु आदमी है उसके, या जो गेट है वो मैनकाइंड पे कभी बंद नहीं किए, मतलब इन्होंने हमेशा दया दिखाई।
ये क्रूअल नहीं बने, क्रूर नहीं बने, द स्ट्रगलिंग पैंग्स ऑफ कॉन्शियस ट्रुथ टू हाइड. इन्होंने कभी भी अंदर, हमारे अंदर कई बार क्या होता है, एक कॉन्शियस ट्रुथ होता है, हम जानते हैं सच क्या है सब लोग, लेकिन हम अंदर ही अंदर काफी ज्यादा घुट रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि हम उसको छुपा लें. पर गांव के जो लोग हैं, ये जो जो कम फेमस है कहते हैं, उनको इस तरह के कोई मॉरल डिलेमा से नहीं गुजरना पड़ा, कोई नैतिक दुविधा से नहीं गुजरना पड़ा, उन्होंने कोई सच नहीं छुपाया. टू क्वेंच द ब्लशेज ऑफ इंजीनियस इनजेन्युअस शेम. हम सब में एक ना नेचुरल शर्म भी होती है. जैसे मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट ने मेरे इंस्टीट्यूट से किताब चुरा ली और मुझे पता चल गया, और मान लीजिए वो लड़का गांव का है, और मान लीजिए मैंने उसे कहा कि भाई तू मेरी किताब वापस दे, तो वो शर्माते हुए किताब वापस देगा, अरे अरे सॉरी सर, मैं ना चाहता था कि ये किताब मैं रख लूं. और कहने का मतलब है वो बनेगा नहीं, वो ये शो करेगा कि हाँ ठीक है मेरे से गलती हो गई. नेचुरल है, गलती हो जाती है. ब्लशेज मतलब शर्म से गाल लाल होना, क्वेंच मतलब बुझाना. मतलब ये जो गांव के लोग होते हैं जो जो कम प्रसिद्ध हुए हैं, राइटर उनके बारे में बता रहा है कि इन्होंने कभी सच को नहीं छुपाने की कोई ज्यादा स्ट्रगल नहीं की, ना ही अपनी शर्म को इन्होंने बेच खाया. और हीप द श्राइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड विद इनसेंस किंडल्ड एट द म्यूज़'स फ्लेम. इन्होंने जानबूझकर कभी भी ढेर नहीं लगाया. हीप मैंने ढेर, श्राइन मतलब मंदिर, लग्जरी और प्राइड ऐश्वर्य का और घमंड के मंदिरों के ऊपर ढेर नहीं लगाया इन्होंने. किस चीज का? अगरबत्तियों का. म्यूजिस फ्लेम का मतलब है ऐसी देवियों को इन्होंने नहीं पूजा, मतलब इन्होंने कभी भी लग्जरी और प्राइड की ओर ध्यान नहीं दिया. ये तो दूर रहे, फार मतलब दूर रहे फ्रॉम द मैडिंग क्राउड्स, इग्नोबल स्ट्राइफ. इग्नोबल मतलब नफरत करने वाला, स्ट्राइफ मतलब भी नफरत. शहरों में जो भीड़ होती है आपने देखा होगा ना, हम एक दूसरे से कितना ज्यादा जलन करते हैं, कुड़ते हैं, एक दूसरे से हालचाल नहीं पूछते, हम अपने में सीमित होकर रह जाते हैं. तो इसलिए राइटर ने फ्रेज लिखा है मैडनिंग क्राउड, दूर शहरों की पागल कर देने वाली भीड़, नफरत कर देने वाली, उत्पन्न करने वाली भीड़ से कोसों दूर ये लोग. देयर सोबर विशेस, इनकी जो इच्छाएं थी वो बड़ी सोबर थी. नेवर लर्नड टू स्ट्रे, उन्होंने कभी नहीं सीखा कि वो भटक जाएं. स्ट्रे माने भटकना. अलोंग द कूल सिक्वेस्टर्ड वेल ऑफ लाइफ, उन्होंने कूल मतलब शांत, सिक्वेस्टर्ड का मतलब भी शांत, वेल ऑफ लाइफ का मतलब जिंदगी की घाटी, आराम से जी. They kept the noiseless tenor of their way. जब ये जिंदगी जीते गए, अपने रस्ते पर चलते गए, तो इन्होंने tenor का मतलब काल, समय सीमा को noiseless तरीके से रखा, अर्थात इन्होंने ज़्यादा शोर शराबा किए बिना जिंदगी जी. Yet even these bones from insult to protect. लेकिन इन हड्डियों को भी तो हमें protect करना होगा insult से जब ये मर जाते हैं. हो सकता है कि जब ये मर गए हो, कब्र बनी हो इनकी, तो some frail memorial, कोई हल्का फुल्का कमजोर सा स्मारक इनके यहाँ नाई मने नजदीक हमें खड़ा करना पड़ेगा. विद अनकूथ राइम्स, अब हम इनकी इनकी कब्र के ऊपर कुछ कविता की लाइन लिखेंगे. हो सकता है वो अनकूथ हो, अनकूथ का मतलब कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो, घटिया टाइप की कविता ही सही, लिखेंगे तो सही. एंड शेपलेस स्कल्पचर डेक्ट, और कोई बेढंगा सा बिना किसी शेप का स्कल्पचर, स्कल्पचर का मतलब कोई मूर्ति, इसे हम सजाएंगे इनकी कब्र को. इम्प्लोर्स, मांगते हैं ये लोग भी द पासिंग ट्रिब्यूट ऑफ अ साई. साई मैंने आह, ट्रिब्यूट मैंने श्रद्धांजलि. मरने वाले मर गए, लेकिन ये भी तो हमसे चाहते हैं कि कोई आए और आह भरे इनकी कब्र के ऊपर, इनको याद करे. देयर नेम, उनका नाम लिखा जाए, उनके इयर्स मतलब कब पैदा हुआ और कब मरा, स्पेल्ड बाय द अनलेटर्ड म्यूज, कोई अनपढ़ आदमी लिख दे. द प्लेस ऑफ फेम लिख दे, इनका यही इनका प्लेस ऑफ फेम बन जाएगा इनका कब्र का, ये जो कब्र के ऊपर लिखेंगे. और एलिजी, यही इनकी एलिजी हो जाएगी, यही एलिजी हम सप्लाई कर देंगे इनको, इनको कुछ तो दें हम. And many a holy text around she strews. और वो जो यहाँ पे she का मतलब है muse, यानी काव्य की देवी. Strews मतलब फैला देगी, कई तरह के धार्मिक text इनके आसपास. Text मतलब कविता की लाइनें. That teach the rustic moralist to die, ताकि जब दूसरे लोग कब्रिस्तान में किसी को दफनाने आए, तो ये जो अच्छी अच्छी बातें कब्र के ऊपर लिखी रहती हैं धार्मिक किताबों से, उनको सिखाती हैं इन रस्टिक मतलब गाँव के लोगों को कि नैतिकता से जीना चाहिए, नैतिकता से मरना चाहिए. फॉर हु, ये लोग, फॉर का मतलब क्योंकि, हु यो, जो लोग डम फॉरगेटफुलनेस अ प्रे, प्रे माने शिकार बन गए हैं किसका, डम गूंगी भूल भुलैया का, अर्थात ये जो लोग मर गए हैं ये शिकार बन गए हैं, इनको लोग, इनको द राइटर हैज पर्सोनिफाइड फॉरगेटफुलनेस. एक बात बताइए, जो लोग मर जाते हैं वो भूलने की बीमारी का, या मतलब एक कॉन्सेप्ट है कि जो आदमी मर जाता है हमको कितने दिन याद रखते हैं हम उसको,
कुछ दिन, साल दो साल, बड़े बड़े लोगों को तो बार बार याद किया जाता है, लेकिन बेचारे वो मर गए, कोई किसी का दादा मर गया कई कई साल बाद, सब भूल भुला गए उसको, कहता है लेकिन ये कब्र जो होगी वो कम से कम उनकी याद दिलाएगी। दिस प्लीजिंग एंग्शियस बीइंग, ये बेचारा जब जिंदा होगा तो प्लीजिंग मतलब खुश नुमा, एंग्शियस मतलब उत्सुक, बीइंग मतलब जीव, एवर रिजाइंड, उसने अपना जो जो देह है वो त्याग दिया, रिजाइन कर दिया उसने, मर गया वो, लेफ्ट द वार्म प्रिसिंक्ट्स ऑफ द चीयरफुल डे, छोड़ दिया है उसने गर्म प्रिसिंक्ट्स मतलब चार दीवारी किसकी, चीयरफुल डे की, अर्थात हम जिंदा होते हैं तो चीयरफुल तरीके से जीते हैं सारा दिन, लेकिन जब हम मर जाते हैं तो वो जो डे है उसकी चार दीवारी हमने छोड़ दी, मतलब वो मर गए हैं। नॉर कास्ट वन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड, तो क्या हम उनके वहां से आते वक्त क्या हम उनको लॉन्गिंग मतलब चाहने वाली, लिंगरिंग अर्थात काफी लंबे समय तक रुकने वाली एक लुक भी नहीं दे सकते पीछे मुड़कर। कास्ट मतलब निगाह डालना, मतलब आप इस स्टैंजा को ऐसे समझिए कि आप कब्र जाके आए तो क्या आप एक निगाह भर के उनको नहीं देखोगे? वो मन ही मन चाहते होंगे ना कि कोई आए तो हमको देखे कि देखो उनके दादाजी यहाँ पे लेटे हुए हैं कब्र के अंदर। वन ऑन सम फॉन्ड ब्रेस्ट द पार्टिंग सोल रियलाइज, जो भी पार्टिंग सोल मतलब जो भी आत्मा मरती है वो निर्भर करती है कि कोई ना कोई फॉन्ड मतलब प्रिय छाती के ऊपर मरे, अर्थात किसी प्रियजन के आसपास मरे। कोई पायस ड्रॉप्स का मतलब आंसू, पायस मैंने पवित्र ड्रॉप्स मैंने बूंदे गिराए, वो जो क्लोजिंग आई रिक्वायर्स, बंद होने वाली आंख ये रिक्वायरमेंट करती है, अर्थात मरने वाला चाहता है कि कोई रोने वाला हो। इवन फ्रॉम द टूम, यहां तक कि जो कब्र होती है ना, वॉइस ऑफ नेचर क्राइज, वहां से प्रकृति चिल्लाती है। इवन इन अवर एशेज, हमारी राख में भी लिव देयर वॉन्टेड फायर्स। ये सब पैराडॉक्सिकल लाइन्स है बच्चों, विरोधाभासी, क्योंकि कब्र में से आवाज नहीं आ सकती, लेकिन कभी कह रहा है कब्र भी आवाज लगाती है, और जो राख है, राख तो तभी बनती है जब आग खत्म हो जाती है, लेकिन कभी कह रहा है कि उसके अंदर भी, वॉन्टेड का मतलब होता है नेचुरल तरीके से आग रहती है, अर्थात इस पैराडॉक्सिकल लाइन्स में कभी कह रहा है कि मरने वाला चाहता है कि उसे याद किया जाए, उसमें भी कुछ ना कुछ फीलिंग्स होती हैं। फॉर दी हु माइंडफुल ऑफ द अनऑनर्ड डेड, अब यहाँ पे दी कौन है, यू, यानी कवि अपने बारे में बात कर रहा है, कहता है कि तू जो इनके बारे में सोच रहा है, माइंडफुल है, इन बेचारे अनऑनर्ड यानी असम्मानित जो मृत्यु को प्राप्त ये लोग कब्र में लेटे हैं, तो जो इनकी बात कर रहा है, डस्ट माने डज पुरानी इंग्लिश है, इन दीज लाइन्स, इन कविता की जो तू लाइनें लिख रहा है उनकी आर्टलेस मतलब साधारण टेल मैंने कहानी रिलेट बता रहा है, अर्थात हे कवि तू जो इन बेचारे कम प्रसिद्ध लोगों की, मरे हुए लोगों की जो कहानी बता रहा है अपनी कविता में, इफ चांस बाय लोनली कंटेम्पलेशन लेड, बाय चांस कभी ऐसा हुआ कि लोनली मतलब अकेले में, हो सकता है कोई कंटेम्पलेट करे, मनन करे, सोचे इनके बारे में, सम किंड्रेड स्पिरिट, कोई दयालु आत्मा शैल इंक्वायर दाई फिट, शायद इंक्वायरी करेगी तेरे भाग्य की जब तू मर जाएगा, अर्थात जैसे गांव में कोई मर जाता है तो सब कंधा देने जाते हैं और मरते वक्त उसकी चिता में लास्ट में लकड़ी भी डालते हैं, है ना, क्रिश्चियंस में और इस्लाम में क्या होता है, एक एक मिट्टी एक एक मुट्ठी मिट्टी की डाली जाती है। कारण है कि भाई सब लोग मिलकर के दफनाते हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें मरने के बाद याद किया जाए और सब लोग हमारे बारे में बात करें मरने के बाद, ये एक नेचुरल डिजायर है। हैप्पली अब ये राइटर ने जो अब जो कविता के कुछ स्टैंजा आ रहे हैं ये बहुत फेमस है, इसमें राइटर ने बताने की कोशिश की है कि हो सकता है कि कोई हैप्पली मतलब शायद, होरी हेडेड स्वेन का मतलब है सफेद सिर वाला कोई गडरिया स्वेन में से आ जाए, और ऑफ्ट हैव वी सीन, आके पूछे कि भाई एक आदमी रहता था यहाँ पे कहाँ गया, तो ये इन्वर्टेड कॉमास में जो लाइन है इसका मतलब समझो, काफी लंबी चलेगी है कि अक्सर वी हैव सीन, मान लो गांव वाले कह रहे हैं कि हमने अक्सर देखा है उसको पीप ऑफ डॉन, सुबह सुबह, पीप ऑफ डॉन मैंने सुबह सुबह, ब्रशिंग विद हेस्टी स्टेप, वो तेजी से जा रहा है, ब्रशिंग का मतलब ब्रश करता हुआ नहीं, तेज कदमों से घास को मतलब उछालता हुआ, उसके ऊपर जो ड्यूज ओस की बूंदे उनको दूर उछालता हुआ वो जा रहा था, हमने देखा था उसको, मीट द सन, सूर्योदय के वक्त सूर्य की तरफ जाते हुए पूर्व की दिशा में, अपॉन द अपलैंड लॉन, उस पहाड़ी के ऊपर, लॉन पे, लॉन जो पहाड़ी पर है, हमने देखा था उसे, देयर वहां एट द फुट ऑफ योंडर नॉडिंग बीच, बीच एक पेड़ होता है, नॉडिंग का मतलब होता है वो जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई और झुकी हुई है, वहां दूर उसके उसके जड़ के पास, फुट मैंने पेड़ की जड़, वहां वो रीड्स इट्स ओल्ड फैंटास्टिक रूट्स, वो पेड़ जो रीड्स मतलब जिसने फैला रखी है अपनी पुरानी, फैंटास्टिक मतलब बहुत ही खूबसूरत जड़े
ऊंचाई तक, ऊंची ऊंची मतलब नीचे आ करके जड़े बार बार, आपने बड़ का पेड़ देखा होगा ना कोई बैनियन ट्री जिसमें जड़े दूर दूर तक फैल जाती है, उस पेड़ के नीचे हिज लिस्टलेस लेंथ का मतलब है शांत उसकी बॉडी, वो लेटा हुआ था एट नून टाइट, दोपहर में वुड ही स्ट्रेच और वो वहां पर लेटा रहा करता था, स्ट्रेचिंग करता था मतलब अपने वहां लेट जाया करता था कभी, एंड पोर अपॉन और मनन करता था द ब्रूक, ब्रूक मैंने झरना जो बगल में बहता था, दैट बैबल्स बाय मतलब जो बगल में बहता है, मतलब ये कितना सुंदर सीन है देखो कि हाँ हमने देखा था उसको तेजी से कदमों से, उससे ऊपर वाले स्टैंजा में क्या था कि वो ऊपर से तेजी से कदमों से जाते हुए ओस को अपने पैरों से ब्रश करते हुए और हटाते हुए हमने पहाड़ी पर उसको देखा जहां पर उस बीच के पेड़ के पास में वो जड़ों में लेटा हुआ था जहां से बगल में झरना गिरता था, इतना सुंदर नेचर का रेफरेंस आया है। हार्ड बाय यॉन वुड कहता फिर बहुत मुश्किल से ही वो हमें यॉन मतलब दूर वहां उस जंगल में दिखा, नाउ स्माइलिंग एज इन स्कॉन कभी मुस्कुराता जैसे कि बहुत मुश्किल से, स्कॉन नफरत में कहीं मुस्कुराहट आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो रेफरेंस आ रहा है वो है कि आप किसी कवि को देखिए कभी वो जो कवि है वो मनन करते हैं, सोचते हैं, हमेशा चिंता मगन रहते हैं और बीच बीच में उनको कोई बात याद आ जाती तो मुस्कुराते हैं, सो दिस इज अ डिपिक्शन ऑफ यू नो अ पोएट कि वो कभी कभी मुस्कुराता, दूर हमने कहीं देखा था उसको जंगल में, मटरिंग मतलब फुसफुसाता था, वेवर्ड फैंसीज का मतलब होता है अपनी अजीब सी कल्पनाएं, ही वुड रो और वो कभी कभी नाराज हो जाता, नाउ ड्रूपिंग कभी दुखी हो जाता, वो फुल वैन कभी दुख से उसका चेहरा मुरझा जाता, लाइक वन फॉरलॉन जैसे कभी बहुत दुखी हो जाता, और क्रेज्ड विद केयर कभी चिंतित हो जाता, क्रेजी हो जाता केयर से चिंता से, और क्रॉस्ड, क्रॉस्ड का मतलब चिंतित हो जाना, इन होपलेस लव, और कभी कभी ऐसा लगता जैसे उसको प्यार नहीं मिला और वो निराश हो जाता, ऐसे उनकी शक्लें हम देखते थे, उसकी शक्लें हम कभी कभी देखते थे। वन मॉर्न एक सुबह आई, आई मिस्ड हिम हमें वो नजर नहीं आया, ऑन द अकस्टम्ड हिल मतलब उस पहाड़ी पर जो कस्टम्ड थी मतलब जहां पे वो मोस्टली हमें नजर आया करता था, अलोंग द हीथ उस जंगल में, हीथ का मतलब उन झाड़ियों के बीच में, नियर हिज फेवरेट ट्री उस फेवरेट पेड़ के पास भी वो नहीं दिखा। अनादर केम एक और दिन आया, नॉट येट बिसाइड द रिल, रिल मैंने छोटी सी नदी, हमने उस नदी और झरने के पास भी बिसाइड मैंने बगल में भी नहीं देखा, नॉर अप द लॉन ना हमने उसको पहाड़ी पर देखा, नॉर एट द वुड वॉज ही ना ही वो जंगल में था। द नेक्स्ट अगला दिन आया विद डर्जेस ड्यू इन सैड अरे, तो हमने क्या देखा, डर्जेस मतलब शोक गीत गाते हुए, सैड मतलब दुखी, अरे मतलब लाइन लगा करके, स्लो थ्रू द चर्च वे धीरे धीरे लोग चलते हुए चर्च के रस्ते पर आ रहे थे, वी सॉ हिम बोन, बी ओ आर एन ई बोन पढ़ा जाता है, इसका मतलब उसको उठा रखा था। कितने सुंदर तरीके से राइटर ने रेफरेंस दे दिया कि दो तीन दिन हमें दिखा नहीं और तीसरे दिन लोगों ने उसको उठा रखा था और चर्च के रस्ते पर ले जा रहे थे, यानी कवि ने अपनी मौत दिखाई है इसमें। Approach, आओ, आगे बढ़ो, and read, पढ़ लो, for thou canst read, for का मतलब है because, thou मैंने you, तुम तो पढ़ सकते हो ना, the lay, lay मैंने song, देखो, पढ़ लो वो क्या लिखा हुआ है, वो गाना, उसकी कबर पे जो लिखा हुआ है, graved, जो खुदा हुआ है, on the stone, उस पत्थर पे, beneath, नीचे, yon मतलब उस, aged thorn, उस पुरानी thorn मतलब कीकर वाले पेड़ के नीचे। The epitaph, अब हम पढ़ते हैं epitaph. Epitaph एक वर्ड होता है इंग्लिश में जिसका मतलब होता है कबर का पत्थर, यानी कबर के ऊपर एक संगमरमर का पत्थर लगा देते हैं, उसके ऊपर कुछ कविता की लाइनें लिख देते हैं। अब ये इसके अंदर राइटर ने लिखा है, Here rests his head, यहाँ वो आराम कर रहा है उसका सिर, lap of her धरती की गोद में, a youth, एक ऐसा जवान लड़का, to fortune and to fame unknown, जिसको ना तो कभी फॉर्चून मिला ना कभी मतलब सौभाग्य मिला, ना ही कभी कोई फेम यानी प्रसिद्धि मिली, वो अननोन था इन चीजों के लिए। फेयर साइंस फ्राउंड नॉट ऑन हिज हंबल बर्थ, लेकिन साइंस का पर्सोनिफिकेशन क्या अर्थात ज्ञान का, फ्राउंड मतलब नफरत करना, कहता है खूबसूरत विज्ञान ने कभी नफरत नहीं किया उसके गरीबी वाले जन्म पर, हंबल बर्थ मतलब गरीबी घर में, गरीब घर में वो पैदा हुआ लेकिन उसको ज्ञान जरूर मिला, एंड मेलंकली मार्क्ड हिम फॉर हर ओन, लेकिन हमेशा वो उदास होता था। मेलंकली का पर्सोनिफिकेशन किया है, मेलंकली का मतलब होता है उदासी, लेकिन उदासी ने उसके ऊपर निशान लगा लिया और उसे अपना बना लिया कि ये तो मेरा है, अर्थात वो सारी उम्र उदास रहा। कुछ लोग होते हैं जो कवि होते हैं वो बाय नेचर ही थोड़ा सा डिप्रेशन में रहते हैं कभी, क्योंकि उनको चीजें सताती हैं आसपास की जो चीजें देखते हैं, तो ये लाइंस आपको समझ में आ जाएंगी। लार्ज वॉज हिज बाउंटी, बाउंटी का मतलब है गिफ्ट, उसको बहुत गिफ्ट मिला, एंड हिज सोल सिंसियर, उसकी आत्मा सिंसियर थी, हेवन डिड अ रिकम्पेंस एज लार्जली सेंट, भगवान ने, हेवन का मतलब है गॉड, भी उसको रिकम्पेंस, रिकम्पेंस का मतलब होता है क्षतिपूर्ति की उसके साथ, उसको बहुत कुछ दिया, ही गेव टू मिजरी ऑल ही हैड,
लेकिन उसको सब कुछ मिजरी में बदल गया, यानी उसके जीवन में दयनीयता आ गई। ए टीयर ही गेन्ड फ्रॉम हेवन, आसमान से भी उसको मिला तो, भगवान से मिला तो सिर्फ एक आंसू। इट वॉज ऑल ही विश्ड, अ फ्रेंड, और आंसू के रूप में भगवान की तरफ से उसे क्या मिला, एक दोस्त। रिचर्ड वेस्ट की बात कर रहा है कि मुझे एक दोस्त मिला और वो दोस्त को बहुत प्यार करता था। नो फादर सीक हिज मेरिट्स टू डिस्क्लोज, नो फादर मतलब फादर मैंने आगे, अब मैं आगे सीख नहीं चाहता उसकी मेरिट्स को बताना, डिस्क्लोज मैंने बताना, मेरिट्स मतलब उसकी खास बातें, उसकी बढ़ाइयां, और ड्रॉ हिज फ्रेल्टीज, और ना ही मैं चाहता हूं कि उसकी कमियां मैं गिनाऊं। फ्रॉम देयर ड्रेड अबोर्ड, ड्रेड मतलब डरावना, अबोर्ड का मतलब निवास स्थान, क्योंकि अब वो मर गया है, कब्र में चला गया है, ऐसा निवास स्थान जो सबको डराता है, अब वहां पे हम क्या उसकी कमियां गिनाएं, क्या उसकी खूबियां। देयर वहां, दे अलाइक, वो सब समान होती हैं। ट्रेम्बलिंग होप, कांपती हुई आशा में सब रहते हैं वहां, अर्थात कब्र में सब समान हो जाता है, चाहे वो बुरा आदमी हो चाहे वो अच्छा आदमी हो। द बोजम ऑफ हिज फादर, कहां चला गया है वो, बोजम मतलब छाती, अपने पिता, अपने भगवान की छाती में वो रेस्ट कर रहा है। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि ये मैंने लगभग लगभग एक सांस में 128 लाइनों की ये कविता आपको पढ़ाई। अब आप ये सोचिए कि ये इतनी लंबी कविता है, इसमें इतनी सारी चीजें हैं, और जितने भी बच्चे इस कविता को समझेंगे, पढ़ेंगे, चाहे वो ग्रेजुएशन के हों, पोस्ट ग्रेजुएशन के हों, नेट के हों, मैं चाहता हूं कि वो इस कविता को बहुत ध्यान से सुने, इस लेक्चर को कम से कम दो बार अटेंड करें, तो जाकर के आपको इसके बारे में बहुत सी चीजों का पता चलेगा। ठीक है, और मैं इसकी पीडीएफ भी आपको साथ में भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच।